अयोध्या के रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब गुंडे कागज पर लिखकर थाने में सरेंडर करते हैं। बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं है, सबके नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, गुंडे मवाली बहन बेटियों को स्कूल के गेट पर खड़े होकर फप्तियां कसते थे। अब बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आती है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक रुदौली हिंदू इंटर कॉलेज में नगर पालिका चेयरमैन भाजपा प्रत्याशी राजेश गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। बिजली 24 घंटा जिला मुख्यालय को, गांव को 18 घंटा दी जा रही है। पहले यही हाल है, अभी महाराज जी बता रहे थे, पहले हमारे जीजा फूफा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। जनरेटर चलाते थे लोग, इन्वर्टर चलाते थे, और जनरेटर इन्वर्टर लोग भूल गए हैं। 75 के 75 जिलों को बिजली देकर के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने कि भैया हमें गिरफ्तार कर लो, अब हम गुंडे अराजकता नहीं करेंगे, हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अब कुछ माफिया अदालत में लिख करके देते हैं कि जेल में भी हमें खतरा है भाई।